एक तरफ खातेगांव में कांग्रेस का एक गुट कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी से नाराज है, वहीं दीपक जोशी ने मां नर्मदा का पूजन कर अपना प्रचार अभियान शुरू किया। पूर्व मंत्री कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी, पूर्व विधायक कैलाश कुंडल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ नेमावर पहुंचे और मां नर्मदा व भगवान सिद्धनाथ की पूजा अर्चना और दर्शन की। उसके पश्चात चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया। उनके साथ पूर्व विधायक कैलाश कुंडल सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जोशी ने रेत नाका स्थित आदिवासी महानायक वीर क्रांतिकारी रेंगा कोरकू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भगवान बिजेश्वर महादेव का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी का काफिला नेमावर से जब कन्नौत की ओर निकला, इस दौरान अनेक स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।